हाय एवरीवन, दिस इज मी अली मिर्जा। वेलकम बैक टू आवर चैनल लैपटॉप रिपेयर। नाउ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके HP पेविलियन सीरीज में आप SSD कैसा अपग्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, ये रहा हमारा HP का पेविलियन सीरीज का ये लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है आपको HP पेविलियन CX0056WMC का ये लैपटॉप है। ये कंपनी डिफॉल्ट आपको आता है कोर i5 प्रोसेसर के साथ 8 जनरेशन, ये 2019 मॉडल का ये लैपटॉप है। आज हम इस लैपटॉप में आपको कैसा SSD अपग्रेड करना वो बताएंगे। जैसा कि आप देखिए, ये रहा इसमें SSD है, 1TB का ये SSD है। NVMe सीरीज इसमें सपोर्ट होगा। प्रोडक्ट अमेजोन से ऑर्डर करके मंगाया है तो हमें आज रिसीव हुआ है, तो आज हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे कस्टमर का लैपटॉप है ये, तो आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। इसमें इंस्टॉलेशन के बाद फिर सॉफ्टवेयर कैसा इसमें इंस्टॉल करते हैं, हाई बटन पे आपको वहां पर दे दिया गया है। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हम लैपटॉप के बैक साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चंद स्क्रू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्क्रूज है। तो हम इसको 1 by 1 करके इसको फर्स्ट ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देखिए, यहाँ पर बड़े स्क्रू आ रहे थे, ये साइज के यहाँ पर स्क्रू थे इतने बड़े टॉप हिंजेस की साइड में। या लोअर साइड में आपको छोटे से स्क्रूज रहेंगे, ये देखकर आपको वापस से फिक्स करना रहेगा जब आप वापस से फिक्स करेंगे। ये हमारा पूरा ओपन हो चुका है। ये बहुत कम स्क्रू आते हैं सीरीज में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मूवमेंट देते हुए हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा बेस कवर ओपन हो गया है, तो अभी हम बेस कवर को रखेंगे बाजू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा लगेगा M.2 NVMe SSD यहाँ पर लगेगा। यहाँ कंपनी डिफॉल्ट आपको एक लॉक भी है, आपको स्क्रू रहेगा, यहाँ पर आप लगा के स्क्रू वापस से फिक्स करना रहता है आपको। और यहाँ पर रैम का ऑप्शन और एक है, ऑलरेडी इसमें 8GB रैम सिंगल है, तो और 1GB का स्लॉट है, तो हम आगे भी जो है इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। अभी ये रहा हमारा 1TB का SSD M.2 NVMe का, तो अभी हम इसमें फिक्स करने वाले हैं। इसको ओपन कर देंगे हम फर्स्ट। ये हमारा 1TB का M.2 NVMe SSD है ये। अभी हम ये लैपटॉप में लगाएंगे, तो हम सबसे पहले इसका स्क्रू ओपन कर लेंगे। अगर आप लैपटॉप जब भी ओपन कर रहे हैं, SSD दारे, रैम दारे, अगर आप नए हैं तो क्या करिए, फर्स्ट इसका बैटरी रिमूव कर दीजिए, कौन से भी लैपटॉप का रहने दीजिए, ताकि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी हम जस्ट खाली SSD लगा रहे हैं, तो हमें आइडिया है, तो हम डायरेक्ट SSD इसमें लगा देंगे। तो मैं अभी इसका स्क्रू ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसका SSD इसमें फिक्स कर रहा हूँ NVMe। अगर आप जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि M.2 NVMe और M.2 में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में वो भी बता दूंगा। M.2 में देखिए आप, 2 नॉचेस आते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक नॉच है और यहाँ पर एक नॉचेस आता है। आपको 2 नॉचेस रहा तो M.2 रहेगा, M.2 साटा SSD रहता है वो। अगर आपको 1 नॉच का है, राइट साइड में आपको नॉच आ रहा है वो, तो वो आपको रहेगा M.2 NVMe SSD। तो इस लैपटॉप में आपको जो है M.2 NVMe SSD सपोर्ट होगा, तो वही आज हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। चलिए हम आ जाएंगे इसके कनेक्टर की ओर। अभी मैं यहाँ पर कनेक्टर में देखिए, जैसा कि मैं आपको M.2 NVMe बोला, तो यहाँ पर कनेक्टर में बराबर ये फिक्स हो जाएगा। अभी मैं इसको लगा के इसमें प्रेस करूँगा तो ये फिक्स हो गया है। बाकी का अभी जो है इसका स्क्रू बैक साइड से हम वो भी लगा देंगे इसको प्रेस करते हुए। आप देखिए, ये बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, ये आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का, आई बटन पे आपको वहाँ पर भी दे दिया गया है लिंक, आप वहाँ पर से जाके उस वीडियो से कैसा आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसको कैसा पेनड्राइव में बूटेबल बनाना है, कैसा इसमें इंस्टॉल करना है SSD में, आपको पूरा उसमें बता दिया गया है, आप वहाँ से जाके कर ले सकते हैं। अभी हम इसका कर लेंगे वापस से बेस कवर पैक। बहुत ईजी स्टेप है, आप आराम से कर सकते हैं। ये फिक्स हो गया, बस आप वापस से अगर आप जो है सो बैटरी निकाले तो आप ये लगा दिए, बस बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगा देके पूरे कनेक्शन आप प्रॉपरली फिक्स करें, जो जो भी निकाले आप कनेक्शन वो वापस से लगा दीजिए। अगर आप जब भी लैपटॉप ओपन कर रहे हैं, अगर आपके लैपटॉप में डस्ट है या फैन में डस्ट है, तो आप जो है क्लीन कर सकते हैं। अभी हमारे लैपटॉप में कुछ डस्ट नहीं है, देख सकते हैं हम, यहाँ पर पूरा क्लीन अप है। यहाँ पर ऑलरेडी रिसेंटली इसका सर्विस हुआ था, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्लीनिंग का कैसा करने का है अभी। तो अभी मैं इसको वापस से पैक कर रहा हूँ। अभी हम जो है सो ये लैपटॉप का पूरा फ्रेम पैक कर देंगे। ये लॉकिंग हो रहा है, ये हमें लॉकिंग हो गया है पूरा प्रॉपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इजीली इंस्टॉलेशन हो गया है। उसके बाद आपको जैसा आप स्क्रूज निकाले थे, वैसा ही आप स्क्रू लगाने का है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ के नीचे के छोटे वाले स्क्रू लगा देंगे 1 by 1 करके। उसके बाद आपको आना है यहाँ के बड़े स्क्रू लगाने का है, 4 स्क्रू रहेंगे। ये बहुत इजी स्टेप है, ये हमारा तो इंस्टॉलेशन पूरा परफेक्ट हो गया है।
ये हमारा लैपटॉप पूरा इंस्टॉलेशन परफेक्टली हो गया है। अभी हम इसमें सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉलेशन करने का है वो आपको बताएंगे पूरा। आई बटन पे वहाँ पर दे दिया गया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कैसा उसमें जेन्यून सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जेन्यून सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसा करना है, पेन ड्राइव को बूटेबल कैसा बनाने का है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।